मुंबई। एक तेज रफ्तार भागता दौड़ता शहर और इसकी इस गति को बनाए रखती है यहां की लाइफलाइन मुंबई लोकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और दूरदर्शी नेतृत्व में रेलवे ने बेहद कम समय में तेजी से कई नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में रेलवे के संकल्पित प्रयासों की श्रृंखला में अब मुंबई लोकल से जुड़ रहा है एक नया अध्याय। रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार की समान लागत से निर्मित ठाणे और देवा के बीच पांचवी और छठी रेल लाइन। काम करने की यही रफ्तार आज भारत की पहचान बन रही है। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होता था। बीते 7 वर्षों में हमने 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जहां दुनिया की रोक दी थी रफ्तार, उस चुनौतीपूर्ण समय में भी इस प्रोजेक्ट के सपने को किया साकार। भूमि अधिग्रहण के अलावा टनल, रेल फ्लाईओवर और क्रीक पुलों का भी हुआ निर्माण। ध्यान रखा गया कि पांचवी और छठी लाइन के लिए सिर्फ वीकेंड्स पर ही लिए जाएं इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक्स, ताकि रेल यात्रा पर कम से कम हो असर और निर्माण कार्य हो निर्बाध। इन ब्लॉक्स में 34 जगहों पर पुरानी रेल लाइनों को नई रेल लाइन से जोड़ा गया। 19 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली पांचवी और छठी लाइन्स पर 6 नए प्लेटफॉर्म्स और 8 फुटओवर ब्रिजेस का हुआ निर्माण और विस्तार। 21 छोटे पुल, 3 बड़े पुल, 1.4 किलोमीटर रेल फ्लाईओवर और नई टनल को भी रेलवे ने बनाया है पूरी दक्षता से। पांचवी और छठी लाइन कुर्ला और कल्याण स्टेशनों के बीच का मिसिंग लिंक थी। इन लाइनों के निर्माण से कुर्ला और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कल्याण मार्ग पर अब 6 लाइनें हो गई हैं उपलब्ध। साथ ही स्लो और फास्ट लोकल सेवाओं के साथ साथ अब लंबी दूरियों की रेलगाड़ियों को भी मिला है अलग कॉरिडोर। इसके अलावा 36 नई उपनगरीय सेवाओं की शुरुआत होने से रेलवे की यात्री क्षमता में होगी वृद्धि। नव निर्मित इन 2 लाइनों द्वारा यात्रियों के समय की बचत तो होगी ही। ठाणे, कलवा, मुंब्रा और देवा के यात्रियों को मिलेगा इसका सीधा लाभ। सड़क परिवहन का बोझ होगा कम, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से मिलेगी मुक्ति और ईज ऑफ लिविंग की राह होगी आसान। एक तरफ उपनगरीय और लंबी दूरी की गाड़ियों के पृथककरण से मालगाड़ियों के बेहतर संचालन में मिलेगी मदद, वहीं दूसरी तरफ नई लोकल ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ देगा मुंबई को और भी तेज रफ्तार।